VFM में आपका स्वागत है दोस्तों। इससे पहले मैं दो वीडियोस ऑलरेडी ला चुका हूँ लॉजिटेक Z625 के ऊपर। एक स्पेसिफिकेशन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है और दूसरी वीडियो उसकी साउंड टेस्ट से रिलेटेड है। डिटेल में हमने इसका रिव्यू किया है, आप उसको प्लीज़ प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आया करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आज हम इसको, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम इसको आउटडोर में टेस्ट करने वाले हैं। आउटडोर का मतलब छत पे चलते हैं और कुछ सॉन्ग्स प्ले करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटडोर में रिस्पॉन्स कैसा आएगा। मैं इसको न्यू ईयर पे पिछले साल बजाया था इसको ऊपर, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आउटडोर में कैसे परफॉर्म करता है। बाय द वे एक चीज़ और बता देता हूँ, ये स्पीकर्स आउटडोर के लिए नहीं बने हैं, ये केवल इनडोर यूज़ के लिए बने हैं। तो देखते हैं जिस उम्मीद आप करते हैं उस उम्मीद पर खरे उतर पाते हैं कि नहीं, आउटडोर में परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। तो ठीक है यार, सॉन्ग्स प्ले करते हैं। तो दोस्तों आपने सॉन्ग सुन लिया होगा, और इस सॉन्ग में पहले हम बात कर लेते हैं वोकल्स एंड इसकी लाउडनेस की। देखो जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये स्पीकर आउटडोर यूज़ के लिए नहीं बने, ये कोई पार्टी स्पीकर्स नहीं है, ये होम थिएटर सिस्टम है, डेस्कटॉप स्पीकर्स हैं। स्पेशली मैं अगर बोलूँ तो डेस्कटॉप स्पीकर्स हैं। तो लाउडनेस के मामले में मुझे थोड़ी सी कम लगी, और हो सकता है कि जिन लोगों ने स्पीकर परचेज़ किए हैं वो आप इनको ट्राई कीजिएगा किसी दिन, तो लाउडनेस इसकी थोड़ी ओपन स्पेस में कम पड़ेगी। हाँ, लेकिन इतनी भी कम नहीं है दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट कर देगी। ठीक है, थोड़ी कम है, पार्टी स्पीकर्स जैसी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, जो सस्ती क्वालिटी के पार्टी स्पीकर्स होते हैं ना, उनमें बेस नहीं होता। तो अभी मैं सॉन्ग सुनाऊँगा उसमें आपको बेस के बारे में बताऊँगा, ठीक है, कि बेस एग्जैक्टली आ कैसा रहा है। तो अगला गाना सुनेंगे और बेस के ऊपर फोकस रहेगा। लाउडनेस ठीक है, मतलब एवरेज है, सो सो है, डिसअपॉइंटमेंट आपको नहीं होगी। और क्योंकि यार देखो 2.1 चैनल है, तो 5.1 भी नहीं है, 4.1 भी नहीं है, तो इसलिए से लाउडनेस के मामले में 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, ओके ठीक है। लेकिन हाँ, फिर से मैं आपको बोलता हूँ, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अब इसकी जो मेन हाईलाइट है बेस, इस पे बात कर लेते हैं। तो इसी बात पे यार एक गाना सुन लेते हैं फिर। तो भाई लोग, आप इंतजार कर रहे होंगे इसके बेस रिव्यू का, ओपन में बेस कैसा आ रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास जो माइक है या कोई भी माइक है ओरिजिनल, जो आपके कान कैच कर पाते हैं वो माइक कैच नहीं कर पाएगा, है ना। होता ना जैसे कि आँख जितना कैच कर पाती है उतना कोई मोबाइल कैमरा कैच नहीं कर सकता, उसी प्रकार से जितना इसकी वॉइस को आप लाइव सुनेंगे अपने कानों से उतना ये कैच माइक नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बेस ऑफ कोर्स देखो इंडोर जितना नहीं है, इंडोर में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब थंडरिंग बेस है,
आउटडोर में अगर मैं बात करूं, अभी मैंने जैसे इसको बजाया और आपने भी सुना होगा, तो मैं सही बता रहा हूँ, पूरी छत को ये सेक कर रहा था, इतना बेस था। ठीक है, छत में वाइब्रेशन हो रही थी, बहुत आराम से इसको फील किया जा सकता था। और ऊपर मैं अगर आपको बताऊँ, बेस फील हो रहा था नहीं या नहीं हो रहा था, ऊपर जी बेस फील बिल्कुल हो रहा था और बेस की तरफ से थम्स अप। आउटडोर में भी इसको अगर हम बात करूँ बेस की, तो 4.5 out of 5 star। ओके तो यार ये था इसका ओपन में रिव्यू। तो ओपन में बिल्कुल बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, रिलेशन में हैं, कहाँ कोई भी आए हुए हैं, पड़ोसी आए हुए हैं, तो बिल्कुल आपको निराश नहीं करेगा। साइज़ के हिसाब से आपको बॉम्ब लगेंगे, बॉम्ब एकदम। ठीक है, तो यार नेक्स्ट वीडियो मेरी थोड़े कुछ मैंने बेस बेस की पावर दिखाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, जरूर देखेगा उनको। तो अभी के लिए चलते हैं यार, फिर टाटा, बाय 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 बाय।